आइए एक नक्शे पर समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। तो नक्शा जरा स्क्रीन पर आपको दिखाएं जिससे आपको एक अंदाजा लग जाए। ये एक सड़क है, एक तरफ ऊपर वाला छोर दंतेवाड़ा जा रहा है, नीचे वाला अरनपुर। यहां पर इस सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गाड़ी अरनपुर की ओर चल रही है। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ, अगर आप थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क किनारे गड्ढे में नक्सली छुपे हुए थे और यहीं पर वो भुरभुरी मिट्टी जिसकी बात जुल्फिकार कर रहे थे वो यहां पर थी। ये भुरभुरी मिट्टी इस तरीके की है जिससे आप धीरे धीरे करके खोद करके और सड़क के नीचे, यानी कि नक्सलियों को पता था कि यहां से सड़क खोदना आसान होगा। ब्लास्ट के 24 घंटे पहले उन्होंने वो IED यानी कि 50 किलो विस्फोटक वहां पर लगा दिया क्योंकि वो करना आसान था। उसके बाद 150 मीटर दूर वहां से एक पेड़ पर जाकर के उन्होंने एक तार खींचा यानी कि एक वायर, और इस पेड़ के ऊपर दो नक्सली थे। एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था ताकि जिसको रेंज से दिखे कि कब गाड़ी आ रही है और कब नहीं आ रही, और नीचे एक नक्सली था जो कि तार लिए खड़ा हुआ था कि जैसे ही ऊपर से इशारा मिलेगा वो तार जोड़ देगा और विस्फोट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 150 मीटर दूर ये तार बिछाए वो बैठे हुए थे। इतने में गाड़ियां आई, और जैसे ही वो गाड़ियां आई, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी आई, ऊपर वाले नक्सली ने नीचे वाले को बताया कि मिला दो तार। उसके बाद उसने तार मिला दिया और 150 मीटर दूर से ही बम दाग दिया गया और उस पे हमारे जवान शहीद हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में। यह था पूरा घटनाक्रम, इस तरीके से हुआ था। यह अभी जो ताजा जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने एनिमेशन तैयार किया।